दोस्तों ये इस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि एक जाति की सर्वश्रेष्ठ वो रहे, प्रधानता हो, एक भाषा हो, एक रंग का झंडा हो भगवा, उसमें कोई दूसरा रंग ना हो। और ये संविधान है क्या? ये संविधान एक वो दस्तावेज़ है, वो औजार है, वो हथियार है जो सबसे पहले तो इस मुल्क में हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है। जो लोग केंद्र में सत्ता में और बहुत सारे दूसरे राज्यों में बैठे हुए हैं, जिनका ना तो इस संविधान में पहले दिन से कोई यकीन रहा और ना आज है, वो आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते पर ले जा रहे हैं, जो आज इस मुल्क के लिए जो ख़तरा है, जिससे हमारा वजूद ख़तरे में है, और जो दस्तावेज़ हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को तैयार करके दिया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस पर किस तरह से हमला किया जा रहा है। लेकिन उससे आने से पहले दो चार बातें मैं, जो आज का आपका इस कार्यक्रम का विषय है, वर्तमान संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर, मजदूर आंदोलन से धार्मिक आंदोलन तक, उसके बारे में कुछ दो चार बातें कहना चाहूँगा। पिपल साहब जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाल और नीले रंग को करीब आना चाहिए। उनकी मुराद थी कि वामपंथी, समाजवादी और दलित आंदोलन मिल करके अगर काम करे तो शायद सूरत हाल बदल सकती है। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो दोस्तों उसमें दो लोगों ने शामिल होने से इनकार किया और बहिष्कार किया। वो लोग थे कौन? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। जयप्रकाश नारायण ने कहा ये फ्रेंच एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित नहीं है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे। और वामपंथियों ने कहा कि ये तो अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की एक साजिश है, और जब संविधान बना तो उसे गुलामी का दस्तावेज़ बताया। लेकिन इन्हीं दोनों लोगों ने 1952 का जब पहला चुनाव हुआ तो इसी संविधान की कसम खा करके चुनाव लड़ा, और 1952 से आज तक सबसे ज़्यादा संविधान की जो कोई बात करता है तो वो यही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट करते हैं। इसी में जो आपका ये विषय है कि मजदूर आंदोलन से धार्मिक आंदोलन तक, ये संविधान है क्या? ये संविधान एक वो दस्तावेज़ है, वो औजार है, वो हथियार है जो सबसे पहले तो इस मुल्क में हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है, और उसके बाद हर नागरिक के अधिकार की बात करता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, ये दूसरे किसी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, उन सब के अधिकारों की बात करता है। और इसलिए आज जो लोग केंद्र में सत्ता में और बहुत सारे दूसरे राज्यों में बैठे हुए हैं, जिनका ना तो इस संविधान में पहले दिन से कोई यकीन रहा और ना आज है, वो आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते पर ले जा रहे हैं, और एक तरह से बना ही दिया है। बहस इस पर हो सकती है कि ये डिफेक्टो है या डी जूरे। आज सुबह एक कार्यक्रम में हम और नेहरा साहब थे, हिंद कौमी एकता मंच की तरफ से, उसमें भी काफ़ी दलित और पिछड़े वर्ग के साथी थे, उन्होंने इस महापरिनिर्वाण दिवस को, और बाबरी मस्जिद की आज बरसी भी है, 27वीं बरसी, ज़रा उसके बारे में मैं दो चार शब्द कहना चाहूँगा। उसमें भी मैंने कहे थे और यहाँ भी कहना चाहूँगा, बाबरी मस्जिद कोई मुसलमानों के नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। वो तो 22 दिसंबर 1949 की रात उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब उस पर सो कॉल्ड सेक्युलर सरकारों ने कब्ज़ा करा दिया था, उस दिन ख़त्म हो गई थी वो मस्जिद। लेकिन उसके बाद से 6 दिसंबर 1992 तक वो भारतीय संविधान का एक सिंबल थी, और 6 दिसंबर 1992 को दिन दहाड़े जब उसे ढाया गया और जिन लोगों ने उसमें मदद की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके गए थे कि हम इसे बचाने का काम करेंगे, नहीं बचाया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा दी, जेल गए। तो ये मामला भारतीय संविधान से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला दिया है मैं उसके बारे में उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कहते हो कि 1934 में वहाँ गलत काम हुआ, 1949 में गलत काम हुआ, 6 दिसंबर 1992 को उसका ढाया जाना गलत था, लेकिन ये जगह तो अब राम मंदिर के लिए दी जाएगी। संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी आपने, क्योंकि सवाल एक मस्जिद का नहीं, ये मुल्क एक मस्जिद और मंदिर से बहुत बड़ा, इस मुल्क के सर्वाइवल का सवाल है, और सवाल ये है कि क्या ये मुल्क एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बनेगा या ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा पीछे विस्तार में जाना पड़ेगा। अभी यहाँ 4,000-5,000 साल की बात कही गई, 5,000 साल का हमारा ज्ञात इतिहास है, उसमें से 2,500 साल जो गौतम बुद्ध और महावीर के ज़माने से बाद का इतिहास है वो तो बहुत ही स्पष्ट है, उसमें तो किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बकौल फिराक गोरखपुरी के अक्वामे आलम के जो वो थे जत्थे, वो यहाँ आते रहे और हिंदुस्तान बनता रहा। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बन गया दोस्त, और आज का जो हिंदुस्तान है ये पिछले 1,000 साल में बना है। लेकिन वो लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहते हैं हम 1,000 साल की गुलामी से आज आज़ाद हुए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्हीं का एक आइडियोलॉग हुआ है वीडी सावरकर, उसने खुद 1857 पे किताब लिखी है और उसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया है। तो 1857 से 1947 तक जो 90 वर्ष का हमारा पीरियड है राष्ट्रीय आंदोलन का, वही असली आंदोलन है, और उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया था उसी वक्त, चाहे वो 1931 का कराची कांग्रेस हो या 1929 में जवाहरलाल का लाहौर में उद्बोधन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग, कि जब ये देश आज़ाद होगा तो इसे एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया जाएगा जिसमें हर एक के अधिकार बराबर होंगे। और उसी समय पाकिस्तान का आंदोलन चल रहा था, 1940 में शुरू हुआ, 1946 में 47 में वो रियलिटी था। हमारे देश में तो 7 साल आंदोलन करिए तो तहसील और ज़िला नहीं बन पाता है, लेकिन अंग्रेज़ की मिली भगत से पाकिस्तान बन गया। कहा गया कि ये हम अलग कौम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हालांकि ये नज़रिया, दो कौमी नज़रिया भी आरएसएस की देन है जो 1925 में पहली बार सावरकर ने दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 को कॉन्स्टेंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत थी कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होगा, कोई चूँ भी ना करता, क्योंकि मुसलमान अपने हिस्से का पाकिस्तान ले चुके थे। लेकिन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, नेशनल मूवमेंट के दौरान इस मुल्क की आवाम के साथ ये वायदा था कि जब हम आज़ाद होंगे तो ये मुल्क ऐसा नहीं होगा कि जिसमें सिर्फ एक ज़ात, एक बिरादरी, एक भाषा, एक निशान, उसका वर्चस्व होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। और ये सब कर दिया गया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को जो जिम्मेदारी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की, उन्होंने उन सारे दस्तावेज़ों को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज़रिए से पारित किए गए थे उन सब को इनकॉर्पोरेट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसलिए इसे आज दुनिया में मानव अधिकारों का सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज़ कहा जाता है। ये अंबेडकर का कारनामा है कि उन्होंने ये कर दिया, और 2.5 साल तक, 2 साल 9 महीने 11 दिन तक इस पर डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और मोर और लेस जो डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट तैयार किया था उसे मान लिया गया। लेकिन किन लोगों ने नहीं माना? जो लोग इस विचारधारा में यकीन, जो इस भाईचारे में, जो गंगा जमनी संस्कृति में, जो मिली जुली संस्कृति में यकीन नहीं रखते, और उनके नेता हुए हैं गुरु गोलवालकर। गुरु गोलवालकर साहब क्या कहते हैं, 1946 में उन्होंने अपनी किताब लिखी, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, यानी हम या हमारी राष्ट्रीयता परिभाषित। इस किताब के चतुर्थ संस्करण में गोलवालकर साहब लिखते हैं, हिंदुस्तान के सभी गैर हिंदुओं को हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, हिंदू धर्म का आदर करना होगा, और हिंदू जाति या संस्कृति के गौरवगान के अलावा कोई विचार अपने मन में नहीं लाना होगा, यानी उन्हें हिंदू राष्ट्र के अधीन होकर ही यहाँ रहने की इजाज़त होगी, विशेष अधिकार की तो कोई बात नहीं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें उन्होंने जर्मनी का उदाहरण दिया कि जिस तरह से जर्मनी ने यहूदी जाति का सफाया किया, वो
उपयुक्त था और यही इस देश में भी होना चाहिए। और वो लिखते हैं कि एक संयुक्त घर के रूप में ये विलय असंभव है। 1966 में गुरुजी ने एक और किताब प्रकाशित की, बंच ऑफ थॉट्स। उसके नवंबर संस्करण में वो लिखते हैं कि इस देश में तीन खतरे हैं, कौन? एक मुसलमान, दूसरे ईसाई, तीसरे कम्युनिस्ट या समाजवादी। ये सभी भारत के लिए खतरा हैं, ये गोलवलकर साहब कहते हैं। और इसी आधार पर अब नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया सिटीजनशिप एक्ट ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमानों के अलावा जो भी लोग आएंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये उसी हिंदू राष्ट्र पर मोहर लगाने की कोशिश है, क्योंकि ये लोग बराबरी में यकीन नहीं रखते। अब इसमें गुरुजी क्या कहते हैं? वो वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक से कहते हैं, हमारे समाज की विशिष्टता थी वर्ण व्यवस्था, यानी मनुवादी व्यवस्था, जिसे आज जाति व्यवस्था बताकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। समाज की कल्पना सर्वशक्तिमान ईश्वर की चतुरंग अभिव्यक्ति के रूप में की गई थी, जिसकी पूजा सभी को अपनी योग्यता और अपने ढंग से करनी चाहिए। ब्राह्मण को इसलिए महान माना जाता था क्योंकि वो ज्ञान दान करता था। क्षत्रिय भी उतना ही महान माना जाता था क्योंकि वो शत्रुओं का संहार करता था। वैश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वो कृषि और वाणिज्य के द्वारा समाज की आवश्यकताएँ पूरी करता था। और शूद्र भी, जो अपने कला कौशल से समाज की सेवा करता था। अब इसमें गुरुजी ने बड़ी चालाकी से शूद्र के बारे में जोड़ दिया कि अपने हुनर और कारीगरी से समाज की सेवा, जबकि अपनी इसी किताब में उन्होंने चाणक्य को कोट करते हुए लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का सहज धर्म है। सहज धर्म की जगह गुरुजी ने जोड़ दिया समाज सेवा। लोकतंत्र के ये लोग खिलाफ हैं। लोकतंत्र को कहते हैं ये पश्चिम से आयातित प्रणाली। महिलाओं को मताधिकार देने के खिलाफ हैं। गोलवलकर 30 जनवरी 1966 के ऑर्गेनाइजर के इशू में लिखते हैं, अब ये साफ होता जा रहा है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार देने का फैसला गलत और फिजूल था। एक हिंदू होने के नाते मैं ये मानने को मजबूर हूँ कि हमारे लिए अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब कहीं महिलाओं ने हुकूमत की है वहाँ अपराध, गैर बराबरी और अराजकता फैली है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि महिला अगर विधवा हो और शासक हो जाए तो मुल्क की बदनसीबी शुरू हो जाती है। ये कब लिख रहे हैं गुरुजी? इंदिरा गांधी जो विधवा थी, प्रधानमंत्री बनी थी, उसके 15 दिन बाद 30 जनवरी को वो ये लिख रहे हैं। और इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती, इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये इस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते कि एक जाति की सर्वश्रेष्ठ वो रहे, प्रधानता हो, एक भाषा हो, एक रंग का झंडा हो भगवा, उसमें कोई दूसरा रंग ना हो। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर इस देश में हिंदू राज समुचित हकीकत बन जाता है तो ये देश के लिए एक खौफनाक मुसीबत होगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का सपना आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के ख़िलाफ़ है और ये लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को लगता है कि जैसे वो पेशींगोई कर रहे हैं, दीवार पे इबारत साफ उनको नज़र आ रही है कि ये करने वाले हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छा संविधान बना के दे दिया, लेकिन उस संविधान पर आज तक 70 बरस गुजर जाने के बावजूद अमल नहीं किया गया। आप अगर आरक्षण का मामला उठा कर देख लीजिए, तमाम पड़ा हुआ है खाली, बैकलॉग निकल के अगर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आरक्षण की समस्या ख़त्म हो सकती है। लेकिन नीयत में खोट था, नियत में ये नहीं था कि हम बराबरी देंगे इन लोगों को, जिनको 5,000 साल से हम बराबर तो क्या, जिनकी परछाई पड़ने पर भी हम नहाते हैं। ऐसे लोग जब सरकारों में होंगे तो वो किस तरह का देश बनाएंगे? वो इसी तरह का देश बनाएंगे जिनके लिए किसी और के लिए उसमें कोई जगह नहीं होगी। आज गरीब का बेटा, किसान का, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित का बच्चा IAS अधिकारी बन सकता है तो सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये अधिकार दिया। लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं। हम तो उस बैकग्राउंड से आते हैं, पिप्पल जी जानते हैं, मेरे फादर ने 1957 में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उस वक्त में डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और दो उम्मीदवार जिताए थे, मास्टर गोपाली और छत्तर सिंह। और उस चुनाव में नारा लगता था कि जय भीम का चिन्ह
हाथी का वटवृक्ष हमारे साथी का यानी बरगद का पेड़ जो था सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव निशान वो उनका था। और उसके बाद जब हमने अपनी आंखें खोली तो बचपन में हम ये नारे लगाते हुए बड़े हुए कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांवे सौ में साठ। तो सौ में साठ का मतलब दलित भी था, पिछड़े भी थे, मुसलमान भी थे और महिलाएं भी थीं, क्योंकि लोहिया का मानना ये था कि महिला चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, घर में उसके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है, प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट होता, इसलिए उसके लिए एक अलग से कोटा होना चाहिए ताकि वो आगे आ सके और आगे बढ़ सके। तो हमारी तो वो ट्रेनिंग है और हम उस ट्रेनिंग पे आए। लेकिन हमने जब देखा 1990 में मंडल कमीशन लागू किया गया, किन लोगों की हार्ट बर्निंग हुई जो 5000 साल से इस मुल्क की सत्ता पर काबिज थे और जिनको ये डर सताने लगा था कि अब अगर ये पिछड़े और दलित अगर सत्ता में अपना शेयर मांगने लगेंगे और आगे आ जाएंगे तो फिर हमारा वजूद क्या कहाँ रह पाएगा। यही वो दौर है जब मायावती का इमरजेंस होता है, काशीराम का जो सपना था वो आगे आता है। पिछड़ों के नाम पे आज वो भले ही विकृत हो गए हों, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये ताकत वो उभर करके आई। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, आज आपको ये तय करना है कि ये मुल्क पाकिस्तान बनेगा या हिंदुस्तान ही बना रहेगा वैसे ही जैसे 1000 साल से बना। जिन लोगों को यहाँ नहीं रहना था या जिन लोगों को पाकिस्तान बनवाना था, जो कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में आ, जो मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं वो मुसलमान नहीं, वो चले गए। और मजहबी नफरत की बुनियाद पर जो मुल्क बनाया उसे टूटने में 25 साल नहीं लगे, क्योंकि वो एक नफरत में बुना हुआ मुल्क था। दुनिया में आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, दो ही नाजायज़ मुल्क हैं जो राजनीतिक कारणों से और मजहबी नफरत की बुनियाद पर बनाए गए हैं, एक पाकिस्तान है और एक इज़राइल है, और इन दोनों जगह कभी शांति होने वाली नहीं। लेकिन उस वक्त हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उन्होंने तय किया कि नहीं, इस मुल्क को हमें पाकिस्तान नहीं बनने देना है, पाकिस्तान चाहे जो कुछ करे लेकिन हम हिंदुस्तान में अपने हर नागरिक की हिफाजत करेंगे, उसे बराबरी का दर्जा देंगे, उसे वो तमाम अधिकार देंगे जो किसी भी एक नागरिक को होते हैं, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर किसी तरह का कोई शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, बचाना है, जिस पर तलवार लटकी हुई है, जिसको बदलने की कोशिश की जा रही है, अभी तो मेजोरिटेरियनिज्म के नाम पर ये हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में धारा 370 ख़त्म कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। खुद इनके जो नेता थे उस वक्त संविधान में सभा में भी थे और बाद में मंत्रिमंडल में भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, उनके दस्तखत हैं, लेकिन साहब के नहीं। ये तो 370 तो हटनी चाहिए, ज़रूर हटनी चाहिए, 371 भी हटाने की कोशिश करो तो, लेकिन उसको नहीं करते क्योंकि उससे एजेंडा इफेक्ट होता है। ट्रिपल तलाक करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और नागरिकता कानून बनाएंगे धर्म के आधार पर, जिसको रोका गया है, संविधान जिसको की मनाही करता है। और मुझे यकीन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की कोई अंतरात्मा बची है तो जब ये कानून उनके सामने जाएगा तो वो इसे स्ट्रक डाउन करेंगे। लेकिन एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि दुनिया में सबसे ख़राब चीज़ कोई है तो वो मुसलमान, और इनके खिलाफ इकट्ठा हो जाओ, हिंदू को एकजुट कर दो, बेरोज़गारी की बात मत करो, भ्रष्टाचार की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, आम आदमी के, गरीब के सवाल मत उठाओ और सिर्फ एक ही राग अलापते रहो, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और आप जैसे सचेत नागरिकों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप उस संविधान को, जो पवित्र किताब बाबा साहब दे करके गए हैं हमें, उसे बरकरार रखना है, उसके हर प्रोविज़न को कायम दायम रखना है, तो संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उसकी हिफाजत करनी होगी। अगर ये भारतीय संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा, वरना ये देश बचने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।